मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए यार। बाहर का खाना खाना हो चुका है एकदम बंद। लॉकडाउन इज इक्वल टू नो स्ट्रीट फूड, नो जंक फूड, एंड आई लिटरली मिस दोस छोले भटूरे यार, रोड साइड वाले। सैटरडे संडे की मेरी स्टेबल डाइट हुआ करती थी यार, वो लोग बताया तुमने। सो क्या कर सकते हैं, हूं ना मैं। वेलकम टू करण कुकीज। यस, दिस टाइम वी आर मेकिंग दोज रोड साइड वाले छोले भटूरे। और वो होते हैं ना काले वाले छोले यार, आपको भटूरे के साथ वो कढ़ाई में से निकाल के देता है, प्याज टमाटर ऊपर से रख के। सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग फर्स्ट, छोले बनाते हैं पहले। पहले स्टार्ट करते हैं हम छोलों से। मेरे पास लगभग 200 से 250 ग्राम छोले हैं, ओवरनाइट सोक करके डबल क्वांटिटी में इसमें पानी डाल दिया है मैंने। इसमें अब डलेगा, घर में आता है ना हमारे 10 या 20 रुपए का खड़े मसाले का पैकेट आता है, कहाँ गया मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला। इसमें से बस जीरा हटा दिया मैंने, बाकी जो भी मसाले थे मैंने अलग निकाल लिए। इसको मैं डाल रहा हूँ एक मसलिन क्लॉथ में। मसलिन क्लॉथ क्या है, कोई भी कपड़ा ले लो, बता दूंगा छोलों को काले करने का राज, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच चाय पत्ती, बस यही सीक्रेट है, बन गए तुम्हारे छोले काले। बस अब इसकी मैंने एक बना देनी है पोटली, देखो मैजिक दिखाता हूँ तुम्हें। देखो बन गई पोटली। अब पोटली छोलों के अंदर इसमें ऑलमोस्ट 1 चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून, ओके, ये गया अंदर। बस जब तक छोले हो रहे हैं मैं सोच रहा हूँ भटूरे का डो लगा लेते हैं। तो चलो इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। 1/2 किलो मैदा, इस कटोरी से 1/2 कटोरी सूजी, 1/2 कटोरा दही, नमक स्वाद अनुसार नहीं तो 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच सोडा, 1 चम्मच लगभग चीनी, चीनी से 2 ग्राम होंगे। एक इसमें बहुत ही अच्छी सी मिठास आएगी, दूसरा जो एक्चुअल ब्राउन कलर होता है ना भटूरे का वो काफी अच्छा है, और 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका और मेरा दोनों का समय बचाने के लिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। करा मैंने यहाँ कुछ नहीं है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको जितनी क्वांटिटी के साथ बताए हैं सबको एक साथ मिक्स कर लेना और एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेना, दैट्स इट। तो फाइनली 2-3 मिनट की मेहनत के बाद मेरे भटूरे का डो बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुका है। तो अब इसको आधे से 1 घंटा छोड़ना है रेस्ट होने के लिए, ठीक है। अब करते हैं हम छोले बनाने की तैयारी, सी यू लेटर। तो चलो जब तक हमारा भटूरे का डो रेस्ट कर रहा है, लेट्स चेक द छोले, एंड वाओ द कलर इज केम इज सो ब्यूटीफुल। अब हमें इस चाय पत्ती के पोटली की जरूरत नहीं है, लेट्स गेट रेड ऑफ इट एंड लेट्स फोकस ऑन द छोले। गाइस छौंक लगाने का टाइम आ चुका है, तो उसके लिए मेरे पास है 2 मीडियम साइज के चॉप्ड अनियंस, 3 स्लिट ग्रीन चिलीज, 2 चम्मच मैं लूँगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है 4 टमाटर पीसे हुए। अब मैं बनाने वाला हूँ अपने छोलों का सीक्रेट स्पाइस। फ्यूजन ना रहे इसलिए मैं मसालों को पहले ही कटोरी में डाल के दिखा रहा हूँ कि इस क्वान्टिटी में स्पाइस डालने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 2 चम्मच चने मसाला से, 2 चम्मच हीप स्पून ऑफ चने मसाले इसमें ले चुका हूँ। अब इसमें जाएगा 1/2 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1/2 स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर और 1 चम्मच ऑफ अमचूर पाउडर। बस यही है सीक्रेट स्पाइस यार, बन गए छोले, बन गए, रेडी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करिए मैंने गर्म कढ़ाई से। गर्म कढ़ाई में 4 चम्मच अच्छे से सरसों का तेल, अब इसको हम धुआं आने तक गर्म करेंगे, उसके बाद हल्का सा व्हील कूल इट डाउन। सरसों का तेल मेरा गर्म हो चुका है, नाउ आई एम एडिंग 1/2 स्पून ऑफ अजवाइन, इट्स टोटली ऑप्शनल। कुछ क्या होता है ना, कुछ लोगों को छोले खाने के बाद पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, सो इट हेल्प्स इन गुड डाइजेशन। तो 1/2 स्पून ऑफ अजवाइन, इन गोज द चॉप्ड अनियन, अच्छे से मिक्स करा। अब इसको हम ब्राउन करेंगे अच्छे से।
अगर 5 मिनट बाद देखो मेरे जो अनियंस है वो टोटली ब्राउन हो चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू ऐड इन 1.5 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. अब इसको भूनेंगे हम घड़ी में देख के ऑलमोस्ट 1 मिनट हल्की आंच पर. So after 1 minute, a ginger and garlic paste is totally cooked. Now it's time to add in the chole masala. पूरा डालना है भाई, कुछ नहीं छोड़ना है, पूरा खाली. Give it a good mix. और मैंने आंच अभी भी हल्की रखी हुई है, मैं मसाले कुछ भी जलाने नहीं है. मिक्स करा. Now time to add in tomato puree. Wow, what a smell. टमाटरों को पकाने के लिए 1/2 चम्मच ऑफ सॉल्ट या फिर कहे स्वाद अनुसार. बस टमाटरों को हमें 5 मिनट के लिए पकाना है. और पकने का साइन जैसे आप सभी को पता होगा, जो ऑयल है वो टमेटोज के ऊपर फ्लोट होना स्टार्ट हो जाता है. दिस मीन्स योर टमेटो इज टोटली कुक्ड. 2 मिनट हो चुके हैं टमाटर को पकते हुए. नाउ एट दिस टाइम आई एम एडिंग द स्लिट ग्रीन चिलीज. बस 2 से 3 मिनट और. तो आफ्टर 5 मिनट्स हमारे टमाटर ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं. नाउ इट्स टाइम टू एड इन द छोले इन द मसाला और मसाला इन द छोले द वे यू लाइक इट. मेरे को कुकर में पकाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं मसाले को कुकर में डाल रहा हूँ. सक्सेसफुली आई हैव एडेड इन द मसाला इन द छोले. अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए मंदी आंच पर छोड़ देंगे. मसालों को इन्फ्यूज होने देंगे छोले के अंदर. और जब तक ये पक रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अपने छोले के लिए भटूरे बनाना. और भटूरे के लिए भी मैंने सिंपल एक रेगुलर साइज से थोड़ा सा बड़ा डो बॉल ले लिया है. उसके बाद जो आपका वर्किंग एरिया, मेक श्योर वो क्लीन हो. उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है और नॉर्मली मैंने इसे बेलना स्टार्ट कर दिया है. ऑयल लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि नीचे भटूरा आपका चिपके ना. आप चाहे राउंड शेप बना सकते हैं, चाहे मेरी तरह ये लंबे वाले भटूरे बना सकते हैं, कॉज आई लाइक इट दिस वे. बस गर्म तेल में इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है. एंड द टेम्परेचर ऑफ ऑयल शुड बी मीडियम हॉट. और फ्राई करते टाइम इसको हाई फ्लेम में कर देंगे, बिकॉज ऑफकोर्स भटूरा डालने के बाद हमारा तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, इसलिए हाई हीट पर उसको डालें. उसके ऊपर अच्छे से तेल का छिड़काव करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ. अच्छे से एक ऑयल बाथ दें. एंड हियर इज योर क्रिस्पी ब्राउन खस्ता भटूरा इज रेडी. लेट्स चेक द छोले. छोले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं. और हाँ जी, एक बात बता दूँ, जो लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना गाइस, चलो अब मैं थोड़े सीक्रेट स्पाइसेस अपने रिवील करना स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं यार, एंड आई डोंट लाइक इट मैन. तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 2 मसाले अपने छुपा कर रखे हुए हैं. तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर लच्छेदार अदरक से. जी हाँ, मतलब ये नेक्स्ट लेवल ले जाने वाली चीज़ें बता दूँ, जो दोनों चीज़ें हैं. तो लच्छे वाला अदरक और 1/2 स्पून गरम मसाला. भाई कुछ नहीं करना, बस ये उठाया मैंने, कुकर के अंदर डाला. इसके पीछे से डालना मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला. एक इसको छोटा सा उबाल दे दो 15 से 20 सेकंड का. और उबाल देने के बाद आपके छोले, जी हाँ, है तैयार. लेट्स बिगिन विद द प्लेटिंग एंड एंजॉय अ मील.